हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई बहुत लोग स्कॉर्पियो ले रहे हैं, भाई भर के ले रहे हैं। भाई 10,000 प्लस गाड़ी बिकती है ये महिंद्रा स्कॉर्पियो है, ठीक है भाई। पर लोगों का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डाउट है कि भाई मैनुअल लें या फिर ऑटोमेटिक। भाई ये देख लो, उसमें आपके 2 पैडल होंगे, इसमें आपके 3 पैडल हैं, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है भाई कि मैनुअल लेनी चाहिए ऑटोमेटिक लेनी चाहिए। तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। तो भाई आज आपको बता दूंगा भाई कि प्योर बता दूंगा। मैनुअल के लिए बहुत लोग बेइज्जती करते हैं ना कि मैनुअल ऐसा है मैनुअल वैसा है। तो भाई आपको आज क्लियर कर दूंगा भाई आपको मैनुअल क्यों लेनी चाहिए ओवर दी ऑटोमेटिक, ठीक है। आज आपको ये बता दूंगा मैनुअल लेने का फ़ायदा क्या है, आपके 2.5-3 लाख बचेंगे मैनुअल लेके, ठीक है। और मज़ा भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ यार वीडियो करता हूँ स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो चलो सबसे पहले भाई हम पकड़ते हैं इसका क्लच। भाई ये है इसका क्लच, ठीक है। अब आपको इसके क्लच में दिक्कत क्या लगेगी, ठीक है। सबसे पहले जो दिक्कत लगेगी ना आपको इसके क्लच में, वो लगेगी भाई ये देख रहे हो, ये हाँ भाई इसका क्लच डीप है। और भाई इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से भाई डीप तो होगा ही, ठीक है। इसका ये आपको दिक्कत लग सकती है, पर क्लच है ना जो इसका बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट चल गई है भाई 21,000, अभी भी इसका क्लच बहुत स्मूथ है। आगे का पता नहीं, पर भाई मेरे को काफ़ी स्मूथ लगता है इसका क्लच। इस क्लच में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी के, ठीक है। क्लच और बस आपको एक दिक्कत लगेगी भाई कि ये डीप है काफ़ी, और तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगने वाली, ठीक है। अब जिसको भाई पहली बार गाड़ी लेनी है ना, तो इसका मैनुअल मत लेना भाई, मत लेना। जिसको मैनुअल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है मत लेना, क्योंकि भाई ये ना क्लच बहुत डेंजरस है इसका, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा टॉर्क आपका। तो सबसे पहले हैंड ब्रेक छोड़ के आपको फर्स्ट गियर लगा के देता हूँ गाड़ी को। अगर मैं ना मतलब क्लच छोड़ दूंगा ना, देखना कैसे झटका मारती है, बहुत बुरी वाली झटका मारती है गाड़ी। अगर मैं इसका क्लच छोड़ के दिखाऊँ ना गाड़ी, देखना आपको फील भी नहीं होगा कैमरे में भाई, देख रहे हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी ने पहली बार मैनुअल गाड़ी लेनी है या फिर किसी को पहली बार गाड़ी लेनी है ना, तो इसका मैनुअल बिल्कुल मत लेना भाई। आपको बहुत टाइम लग सकता है या फिर आप कुछ डेंजरस हरकत भी कर सकते हो, क्योंकि जब दिल्ली वाले ट्रैफिक में आप चलते हो ना, आपको बताऊं कैसे चलना होता है। इसका क्लच दबाया भाई, अगर मैं आपको इसका क्लच का बताऊं ना, अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हो ना, आपके लिए बहुत दिक्कत भी बन सकती है। क्योंकि देखो जैसे मैंने फर्स्ट, एक तो गाड़ी में ना आपका इतना टॉर्क है, मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है, अभी मैं इसकी स्पीड भी नहीं दूंगा, ठीक है। ये देख लो मेरा ऐसे है ना, और मैं सिर्फ क्लच छोड़ूंगा और गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा उड़ जाती है आपकी भाई, 8 की स्पीड तक जाती है। और चाहे जितनी मर्जी चढ़ाई हो, जितना मर्जी वेट हो, भाई गाड़ी में इतना टॉर्क है आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से उठती है आपकी गाड़ी, ठीक है। और अगर मैं अब आपको बोल रहा हूँ ना, बाय चांस आप ट्रैफिक में होते हो, ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़। अब आपको दिक्कत पता है क्या आएगी, आप जब क्लच को ना एक आगे पीछे कर करके ना, आप एक टाइम पे थक जाते हो और एकदम से आपसे क्लच भी छूट जाता है, और गाड़ी ना एकदम से देखना कैसे जाएगी। मैं क्लच छोड़ दूंगा गाड़ी का, ठीक है। ये देखना भाई बहुत बुरे वाला झटका है इसका, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो ना, या फिर आपको मैनुअल चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, इसको थोड़ा मत ही लेना, मैं तो यही बोलूँगा। अगर आप खो गाड़ी, आपके पास मैनुअल थी पहले, तो आप यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलो अब इसकी मैं आगे बात करता हूँ। क्लच का मैंने आपको बता दिया, इसका क्लच एक तो डीप है, ठीक है, और स्मूथ है क्लच। क्लच में आपको कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्मूथ क्लच है। अब मैं इसके बात करूँगा भाई गेयर बॉक्स की, गाड़ी का गेयर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ ना, देखो लोग बोलते हैं इसका गेयर बहुत अटकता है, हवाई अटकता तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, अब ये अटकता पता कब है, जब इसकी मर्जी हो, इसका कोई टाइम नहीं अटकने का, जब अटकेगा अपनी मर्जी से अटकेगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी थोड़ा गाड़ी आगे चल के दिखाऊँ ना, अब मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिकली अटकता कब है, ठीक है। यह अटकता तब है जब आप गाड़ी का गियर एकदम से ऐसे कर दो, ठीक है। और दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, थर्ड या फोर्थ में आ सकती है, कभी कभार थर्ड या फोर्थ में काफ़ी तेज अटक जाता है, फोर्थ में तो हमेशा अटकेगा अगर आप तेज करोगे, तेज़ अगर आप ऐसे तेज़ करोगे, अगर स्मूथली करोगे ना, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने गेयरबॉक्स घुमाया भी है। और एज सच आपको फिफ्थ गियर में भी दिक्कत नहीं आएगी, थर्ड गियर कभी कभार अटक जाता है आपका, ठीक है, वो भी फास्ट में, स्मूथ में कभी गियर नहीं अटकेंगे आपके। अगर आप स्मूथली जैसे ये आपने, सपोज मैं रोक लेता हूँ गाड़ी, सपोज मैंने फर्स्ट गियर लगाया ना, अब मैं देना आराम आराम से शिफ्टिंग करूँगा गियर्स की, ठीक है। फर्स्ट देखो 1, ये 2, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4th,
आपका गियर कभी नहीं अटकेगा, ठीक है। ये फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। अब ये देखो ये सिक्स्थ, कभी नहीं अटकेंगे भाई आपके। अगर आप ऐसे शिफ्ट करोगे, अगर आप इसके गियर टाइटली शिफ्ट करोगे ना, कि बिल्कुल पावर लगा के, क्योंकि कभी कभार आप भगाते हो ना गाड़ी तो आपको करना पड़ता है, ठीक है, तब गियर आपका थर्ड आपका हमेशा अटकेगा, थर्ड आपका कभी कभार अटकेगा, ठीक है, जैसे ऐसे। और बीच में ना कभी कभार इसकी लाइन खराब हो जाती है, उस चक्कर में थर्ड गियर अटकता है, वैसे अटकने का कोई रीजन नहीं है। फोर्थ आपका फास्ट में हमेशा अटकेगा, चाहे गाड़ी बंद है या फिर नहीं। जैसे मैं गाड़ी अभी ऑन कर लूँ ना, देखो यार ये ना, एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसका अटकने का कोई टाइम नहीं है, अपने हिसाब से अटकता है गियर। और इसकी बात करूँ ना गियर की, भाई इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ना आपको ये गियर बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। और क्योंकि आपने पुरानी स्कॉर्पियो ही देखी होगी भाई, इसका गियर कितना बड़ा गियर था भाई, 1 फुट का तो उसका गियर था, ठीक है। ये देखो इतना सा गियर है टोटल, इतना सा गियर है, देख रहे हो इतना सा गियर है। तो गियर तो आपको बहुत छोटा सा लगता है, आपको लगता है आप एक छोटी गाड़ी को ही चला रहे हो, कोई ऐसा मतलब गियर बॉक्स वाइज फील नहीं आता कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है बेसिकली गाड़ी तो बहुत बड़ी है, पर भाई गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, अब भाई बेसिकली मैं ना इसके फायदे बताता हूँ आपको। आप ऑटोमेटिक ले तो लेते हो, ठीक है, पर आपको ना ये देखना बाप, आप ऑटोमेटिक ले लेते हो पर भाई आप उससे ये चीज़ नहीं कर सकते भाई। अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था तब भी इतनी माइलेज दिखा रही है, 14.6 की माइलेज दिखा रही है भाई। यही तो इसका फ़ायदा है मेन, यही तो फ़ायदा है इसका मेन, आप इससे माइलेज निकाल सकते हो बढ़िया वाली, ठीक है। ऑटोमेटिक में आप बॉन्डेड हो जाते हो, चाहे आप गाड़ी आराम से चलाओ भाई, गाड़ी अपने हिसाब से गियर चेंज करेगी, आपके आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूँ भाई, वो आपको मेरे को लग रहा है 10 से 11 की माइलेज देगी वो सिटी में, अगर आप प्यार से चलाओगे 10 से 12 की दे देगी, ठीक है। और इसमें आप आराम से जितनी मर्जी निकालना चाहो उतनी निकाल सकते। अगर मैं एक और बात करूँ ना आपकी, उस गाड़ी में आपका इसमें आपका 370 Nm का टॉर्क आ जाता है, उसमें आपका आ जाता है 400 Nm ऑफ टॉर्क। पर वो तो एक ही बात है, वो थोड़ा सा टॉर्क ऑटोमेटिक इनिशियल में खा जाता है, तो वो हिसाब एक ही पड़ता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसमें आपको जो रिवर्स गियर है वो ऐसे करके ऐसे लगता है। तो गियर बॉक्स का तो मैंने आपको अब समझा दिया, और आपको ऑटोमेटिक हाईवे पे भी उतनी माइलेज देगा भाई, मतलब आप उसमें माइलेज बाउंडेड रह जाते हो, जबकि मैनुअल में आपके फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कितनी भी माइलेज निकाल लो। तो भाई ये फ़ायदा है मैनुअल का, चाहे आप कुछ बोल लो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फटीक वाइज, कि आप गाड़ी मैनुअल चला के थकते हो, ये भाई नहीं, बिल्कुल नहीं थकते आप, वही है इतना तो आप थकोगे कि आपको क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, बाकी आपको इतना तो आप बिल्कुल नहीं थकते कि आपको इसमें बार बार क्लच प्रेस करके मतलब वो मैनुअल वाली चीज़ मतलब आप उस चीज़ में बिल्कुल नहीं थकते इसमें, ठीक है। और जब ऑटोमेटिक अपने फ़ायदे हैं भाई, उसमें ना ही क्लच है, स्पीड ब्रेक देनी है बस, ठीक है, तो उसका अलग फ़ायदा भाई यही है बस। फटीक वाइज अगर आप मैनुअल के हिसाब से बात करो ना, नहीं यार इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आपको बिल्कुल फटीक नहीं होगा। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, गाड़ी में बहुत ज़्यादा टॉर्क, तो भाई झटके ले लेती है कभी कभार, और बहुत मतलब बिल्कुल चढ़ने को होती है मतलब। और अगर मैं बात करूं भाई कि यही है इसमें भाई, आप इसको भगाओगे ना गाड़ी लिटरली इतनी उड़ जाती है जब भागती है। इसका वेट ज़्यादा है, वरना भाई ये 2 पहिए पे खड़ी हो जाती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना इसका फ़ायदा है मैनुअल का, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाऊँ ना आगे चल के भाई, अगर आपको इसका दिखाऊँ ना भाई, मैनुअल का लिटरली उठती है गाड़ी, ठीक है। अब मैं इसका ना ट्रैक्शन ऑफ कर लेता हूँ, उसको डाल लेता हूँ जूम मोड पर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट गियर पर गाड़ी हमारी, ठीक है, अगर मैं इसकी पूरी रेस दे दूँ 3000 RPM पर भाई, ये लॉक्ड है। अब मैं इसको रेसूँ, अब देखो दूसरे गियर पर ना ये उठती चली जाती है गाड़ी, ठीक है भाई, और गाड़ी काफ़ी उठती है भाई, लिटरली मैं आपको इसका बता नहीं सकता भाई, गाड़ी मतलब भाई साहब मतलब मज़ा आता है भाई इसके एट दी एंड मैनुअल को चलाने में भाई, क्योंकि गाड़ी जो मतलब फील देती है ना बिल्कुल भागने का, वो भाई नेक्स्ट लेवल है इस गाड़ी का, मजाक से हटके भाई यही है भाई। अगर बात करूँ ना, लोगों को लगता है इतनी बड़ी गाड़ी हम मैनुअल कैसे ले रहे, कंट्रोल नहीं होगी भाई, बहुत इजी टू कंट्रोल है गाड़ी, मजाक से हटकर इसका मैनुअल मतलब बिल्कुल छोटा सा गियर है, बिल्कुल आपको कोई वैसी दिक्कत नहीं आती। तो भाई ये पॉइंट भी अपने ध्यान में रखना, आपको ऐसी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप मैनुअल को इस चक्कर में छोड़ रहे इतनी बड़ी गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। एक बार गाड़ी चला के देखोगे ना, अगर आपका सेट हो गया ना दिमाग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यार ऑटोमेटिक के अलग फ़ायदे हैं भाई, आप उसमें बिल्कुल थकावट वाला सीन नहीं है, ठीक है। आप मतलब आपको नुकसान भी है भाई, पर आपके 2.5-3 लाख वो कहीं ना कहीं वर्थ इट भी है भाई, पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भाई। अगर किसी की कम एज है, किसी को मतलब ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग रनिंग है, तो भाई अपना 2.5-3 लाख रुपए बचा लो,
आपके और भी बचेंगी भाई, क्योंकि माइलेज भी आपकी वो ज़्यादा देगी। तो कहीं ना कहीं भाई मैनुअल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान इतने नहीं है, पर वही है कि उसका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है। मैंने अपने दोस्तों के थ्रू काफ़ी सुना है, काफ़ी मैंने बोला है भाई उसका ऑटोमेटिक काफ़ी बढ़िया। मैंने चलाया नहीं है, पर भाई मैं ज़रूर चला के भी दिखाऊंगा आपको भाई अगर ऐसा है। पर मैं आपको इसमें आज इस वीडियो में बता रहा था भाई, मैनुअल भी बुरा नहीं है, मैनुअल बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। तो वही है भाई, आपने 2.5-3 लाख आप बचाना चाहो तो बचा भी सकते हो। तो होप करता हूँ यार आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया हो, अगर कोई और डाउट है तो कमेंट कर देना। इसी के साथ यार होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, लाइक कमेंट जो भी करना यार, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।